गाया मोहम्मद रफी का गाना। म्यूजिक डायरेक्टर ने ऐसे की ड्राइवर की सुरीली आवाज की तारीफ। अपना देश टैलेंट का खजाना है, अपनी खुशियों को लोग छोटी छोटी चीजों में भी तलाश कर सपने पूरे कर लेते हैं। सोशल मीडिया के दौर में कभी कभार उन पर किसी पार्की की नजर पड़ जाती है तो मामला बड़ा बन जाता है। ऐसा ही एक अनोखा मामला मुंबई की सड़कों पर बीते दिन दिखा, जहां ऑटो वाले ने अपने ऑटो रिक्शा को ही कॉन्सर्ट स्टेज ऑन व्हील्स बना डाला था। इस पर बॉलीवुड के बड़े म्यूजिक डायरेक्टर अमित त्रिवेदी की नजर पड़ी। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट कर लिखा कि यह देखकर उनका दिन बन गया। अमित त्रिवेदी ने बांद्रा के किसी इलाके में देखे अद्भुत वाक्य के वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपने ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया। उनके पोस्ट करते ही ऑटो वाले का शानदार वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को अब तक 30 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। वहीं 2,20,000 यूजर्स ने उनके पोस्ट को लाइक किया है। पोस्ट हजारों की संख्या में लोगों ने शेयर भी किया है। इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने वीडियो में दिखे ऑटो ड्राइवर के टैलेंट की जमकर तारीफ की है। सैकड़ों लोगों ने इस पोस्ट पर तारीफ वाले कमेंट किए हैं। एक यूजर ने लिखा, अंदर से कुछ और है हम और बाहर से मजबूर। दूसरे ने लिखा, अच्छा है लेकिन ड्राइविंग के दौरान गीत गाना खतरनाक भी है। अमित त्रिवेदी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट के साथ लिखा कि आज सच्चे जुनून की एक झलक मुंबई की सड़कों पर दिखी। इस शख्स ने अपने ऑटो रिक्शा को कॉन्सर्ट स्टेज ऑन द हिल्स में बदल दिया है। यह देख कर तो मेरा दिल बाग बाग हो गया। त्रिवेदी ने लिखा कि अतुल्य भारत में काफी कमाल टैलेंट है। इस एक लम्हे ने मुझे इसकी याद दिला दी है। काश मुझे उस ऑटो वाले से बात करने का मौका मिल पाता। खैर सच में उन्हें देखकर मेरा दिन बन गया। उन्होंने उम्मीद जताई कि वीडियो देखकर आपका भी दिन बन जाएगा। ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।